कि आपको मार्केट से पैदल जाके सब्जी लेकर आनी है जो कि आपके घर से, फिर भी यार प्रिपरेशन में मन नहीं लग रहा, मैं आईफोन पैंट की पॉकेट में रख रहा हूँ, ये यहाँ से निकल, जिस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हो, जिस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे टू सक्सेस पर। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं, उनमें से 90% की हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं इस एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूं, लेकिन क्या करें, पढ़ने का तो मन ही नहीं करता। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी साथ ये प्रॉब्लम है, आज के इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसके बाद आप कभी भी शिकायत नहीं करोगे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी एक दो वीडियो आपको ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन क्या करें, ये टॉपिक ही स्टूडेंट के लिए इतना ब्रॉड है कि इसके बारे में जितनी डिटेल से बात हो सके उतना ही अच्छा है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं जो कि आपकी लाइफ की रियलिटी है। अब अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, लेकिन पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो ये रियलिटी है कि आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे, आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाओगे, ये सच्चाई है। जितनी जल्दी हो सके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो उस लेवल की जो कि उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, तो फिर आप कहां से एग्जाम को क्रैक करने का सपना देख रहे हो। तो फ्रेंड्स, आप खुद को फोर्स करना छोड़ दीजिए। अगर आप उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हो, उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो फिर आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगी, क्योंकि फ्रेंड्स, आपकी मेहनत और आपका गोल या फिर पर्पस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी भी मेहनत आप करोगे, उतनी ही अच्छी सक्सेस आपको अपने गोल में देखने को मिलेगी। जितने भी अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे, जितनी ज्यादा करोगे, उतना अच्छा स्कोर के साथ आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो क्या आप इस बात को कनेक्ट कर पाए खुद के साथ? मान लीजिए कि आपको मार्केट से पैदल जाके सब्जी लेकर आनी है जो कि आपके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। अब आप दिन भर बैठ के सोचते रहोगे कि यार सब्जी लेकर आनी है, लेकिन जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये टास्क आपके लिए काफी ज्यादा बोरिंग है। अब सब्जी ऐसे तो आपके पास आने से रही, जब आप खड़े होगे, उठोगे, आप चलने का कष्ट करोगे, पैदल चलोगे, तभी तो आप मार्केट जाके सब्जी लेकर आ पाओगे, तभी तो आप टास्क को कंप्लीट कर पाओगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, जब आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, आप इतनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो चाहिए, तो आप कैसे एग्जाम को क्रैक कर पाओगे? आपको डेफिनेटली उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आप उस एग्जाम को क्रैक करके एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब लेकर आ पाओगे। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और चीज आपको समझाता हूं, अब डेफिनेटली अगर आपकी सिचुएशन ऐसी ही रही, आप ऐसे ही कहते रहे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो डेफिनेटली आज से ठीक 10 साल बाद आप ये कहोगे कि काश अगर मैं ऐसा कर लेता तो आज मैं यहां पर होता, पता नहीं मैं 10 साल पहले क्यों नहीं पढ़ पाया यार, ये तो बहुत ही सिंपल सा टास्क था, बस मुझे थोड़ा सा ही तो पढ़ना था और आज मेरे पास इतनी रेपुटेड जॉब होती, मैं उस एग्जाम को क्रैक कर पाता, मैं क्यों नहीं कर पाया। डेफिनेटली 90% लोग यही सोचते हैं, मैं भी यही सोचता हूँ, जो मैंने गलतियां अपनी स्कूल लाइफ में की थी, अब मैं सोचता हूँ कि काश अगर उस सिचुएशन में अब मैं होता तो उसको मैं ऐसे हैंडल कर पाता और चीजों को ऐसे सुधार पाता। डेफिनेटली आप जरूर सोचोगे 10 साल बाद, और 10 साल बाद आपके पास वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं रहेगी जो कि अब आपके पास है, केवल रिग्रेट फील होने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्यों ना दोस्तों, जो चीज आप 10 साल बाद सोचने वाले हो उसको अभी सोच ले जाए, वीडियो को पॉज करके 15-20 आधा घंटा एक घंटा बैठ के ठंडे दिमाग के साथ सोचा जाए कि अगर मैं ऐसा नहीं करता या फिर मैं ऐसा करता हूं तो 10 साल बाद मैं क्या सोचूंगा, तो उसको अभी सोच लिया जाए। तो डेफिनेटली आपको यही सोचना है कि अगर मैं फिलहाल मेहनत करता हूँ, प्रिपरेशन करता हूँ, तो क्या होगा, 10 साल बाद कैसे कैसे चीज़ें बदलेंगी, तो क्या क्या मुझे बेनिफिट होने वाला है। अगर आप ये सोचो, आपको ये सोचना है अगर मैं अब नहीं पढ़ाई करता, अब मैं प्रिपरेशन नहीं करता, अब मैं मेहनत नहीं करता, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, तो 10 साल बाद चीज़ें वैसी वर्स्ट होने वाली हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सोचिए, जो 10 साल बाद आप सोचोगे, रिग्रेट फील करोगे, उसके बारे में अभी सोच लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। देखिए, सोचिए, दिमाग लगाइए, चीज़ों को आप कैसे बेटर बना सकते हैं, चीज़ों के कैसे इस सिचुएशन में आपको हैंडल करना है, इस वर्स्ट सिचुएशन से आपको कैसे निकलना है, जो आप फील कर रहे हो कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसको सोल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि डेफिनेटली 10 साल बाद तो आपको सोचना ही है कि मैं ऐसा कर सकता था।
तो अभी क्यों ना सोच दिया जाए। तो बेटर है ना पॉइंट। आपको एक रियल स्टोरी कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ। हमारी सर्कल का एक फ्रेंड है, आज से ठीक 3 साल पहले उसका वेट लगभग 70 kg था, बढ़िया हाइट, एकदम बढ़िया हेल्थ, लेकिन उसको फास्ट फूड खाने की बहुत ज़्यादा आदत थी। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जिस दिन वो फास्ट फूड ना लेता हो, चाउमीन मोमो वगैरह बहुत ज़्यादा खाता था। देखते ही देखते उसका वेट बढ़ने लग गया, टाइल्स निकलने स्टार्ट हो गए, हमें बोलने लग गया कि यार वर्कआउट स्टार्ट करते हैं ताकि हम अपना थोड़ा वेट लूज कर सके। हमने बोला ठीक है, डेली शाम को फोन करते कि चलते हैं वर्कआउट करने, फीड पे थोड़ी बहुत रनिंग करेंगे, लेकिन ऐसे ही टाल देता आज नहीं कि कल फिर परसों। हमने उसे बहुत बोला कि यार इतना फास्ट फूड मत खा क्योंकि डेफिनेटली फैट तो बढ़ना ही है। वो नहीं मानता था, एक दिन छोड़ा, दो दिन छोड़ा, फिर तीसरे दिन फास्ट फूड पे लग गया। आज अगर मैं बात करूं 3 साल बाद उसका वेट जो है वो लगभग 112 kg उसका वेट है, और वो इतनी ज़्यादा फिलहाल मेहनत कर रहा है 2-3 महीने से, डेली सुबह शाम रनिंग कर रहा है, जिम ज्वाइन कर रखा था, फिलहाल तो घर पे ही वर्कआउट कर रहा है कि किसी तरीके से ये मेरा वेट कम हो जाए, मैं फिर से शेप में आ जाऊं। और मैं आपको बताऊं वो क्या बोलता है कि काश मैंने उसी टाइम पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया होता, फास्ट फूड मैंने उसी टाइम पे छोड़ दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। तो फ्रेंड्स एक बार सोच के देखिए, अगर फ्रेंड्स वो 3 साल पहले इस चीज को अच्छे से समझ गया होता, इस बारे में उसने एक बार अच्छे से सोच लिया होता कि अगर मैं अब वर्कआउट नहीं कर रहा हूं तो क्या होगा 3 साल बाद, अगर मैं फिलहाल फास्ट फूड खाना नहीं छोड़ रहा हूं तो 3 साल बाद क्या होगा, अगर वो ये चीज सोच लेता तो आज ऐसा नहीं होता, उसको इतना रिग्रेट फील नहीं करना होता। अब वो डेफिनेटली यही सोचता रहेगा हमेशा कि काश उस टाइम पे मैं वर्कआउट कर लेता, अगर वो कर लेता तो सभी चीजें उसी टाइम पे कंट्रोल हो जाती। अब इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, कवर नहीं कर पाता, दिन रात रनिंग कर रहा है, वेट कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं निकल पा रहा, लेकिन अगर उस टाइम पे सोच लेता तो डेफिनेटली उसे कंट्रोल कर लेता। तो अभी मैंने ये चीजें आपको समझाने की कोशिश करी, तो डेफिनेटली 10 साल बाद आप क्या सोचने वाले हो, तो उस बारे में अगर आप फिलहाल अब सोच लो तो कैसा रहेगा। इसी के साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना चाहूंगा, फिलहाल आपकी प्रॉब्लम है कि स्टडी करने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्या आपके माइंड में आपका पर्पस क्लियर है कि मैं स्टडी क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा पर्पस क्या है, क्या आपके माइंड में स्टडी को लेकर एक गोल क्लियर है कि मैं स्टडी इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना है, एसएससी सीपीओ का एग्जाम मैं क्रैक करना चाहता हूं, यूपीएससी का एग्जाम मैं क्रैक करना चाहता हूं। एक ऐसा पर्टिकुलर गोल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, अगर है तो वो 50% आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा कि मेरा पढ़ाई करने को मन नहीं कर रहा। अब डेफिनेटली काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि हाँ हमारी माइंड में गोल क्लियर है, हम तभी तो स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है। बिल्कुल आपके माइंड में गोल क्लियर होगा, लेकिन अगर फिर भी आपका पढ़ाई करने को मन नहीं कर रहा तो इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो गोल सेट आपने अपने माइंड में किया हुआ है वो गोल आपके लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, जिसकी वजह से आप उस गोल को लेकर बोरिंग फील करते हो और आप उस गोल को अचीव करने के लिए जो मेहनत आपको करनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। तो सबसे ज़रूरी है कि एक ज़बरदस्त चैलेंजिंग गोल अपने लिए सेट करिए जिसको अचीव करने में थोड़ा मज़ा भी आए, आप इंटरेस्टिंग भी फील कर सको। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मुझे तो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए वो मेरे लिए काफी है, कुछ लोग पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम के पीछे पड़े रहते हैं कि बस ये क्लियर हो जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, जबकि उससे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उससे इंटरेस्टिंग चैलेंज आपके सामने है। अगर आपको डिफेंस ज्वाइन करना है तो एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर क्यों बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके लिए, आपके लिए वो एक इंटरेस्टिंग नहीं है गोल। तो फ्रेंड्स ये बड़े गोल है, ये चैलेंजिंग है, अपने लिए कुछ चैलेंज करो, छोटे छोटे करते रहोगे तो हमेशा छोटा छोटा ही आप काम कर पाओगे, छोटा ही अचीव करोगे, अगर बड़ा सोचोगे तभी तो आप कुछ बड़ा कर पाओगे। अब बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने अपना गोल सेट एसएससी सीजीएल को किया हुआ है, किसी ने यूपीएससी को किया हुआ है, किसी ने एसएससी सीपीओ को किया हुआ है, अब वो सोच रहे होंगे कि हमारा गोल तो बहुत बड़ा है, चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग है, फिर भी यार प्रिपरेशन में मन नहीं लग रहा, वो मोटिवेशन नहीं निकल के आ पा रहा है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको उन लोगों की लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है जो कि इन चीजों से निकल चुके हैं और फाइनली अपने गोल
गोल को अचीव करके वहां तक पहुंच चुके हैं। अगर आप एक एसएससी सीजीएल एग्जाम के एस्पिरेंट हो, तो जो लोग एसएससी सीजीएल को एग्जाम को क्रैक करके सिलेक्शन ले चुके हैं, एक बार उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करके देखिए कि उनकी लाइफ में किस किस तरीके से चेंजेस आए हैं, क्या क्या बेनिफिट हुए हैं उनको उस पोस्ट के ऊपर पहुंचने के बाद। उनको देखिए कि पहले वो किस सिचुएशन में थे, किस हालात में उन्होंने प्रिपरेशन की, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की, कितनी ज्यादा मेहनत करी जिसकी वजह से वो आज अपने गोल तक पहुंच चुके हैं और आज उनका ये लाइफ स्टाइल हो गया है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कभी फ्रेंड्स आपने यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल करके सर्च किया हुआ है कि लाइफ ऑफ अ इनकम टैक्स ऑफिसर, लाइफ ऑफ अ यूपीएससी आईएएस, इनके बारे में सर्च किया है, देखिए बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन आपको मिलेगी, बहुत ही ज्यादा अंदर से मोटिवेट फील करोगे। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आप इनकम टैक्स ऑफिसर की लाइफ को ही ऑब्जर्व करिए, नहीं, जो आपका गोल है, जिस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हो, जिस पोस्ट को आप क्रैक करना चाहते हो, उसके बारे में सर्च करिए, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में देखने की कोशिश करिए। तो अगर आप ये चीज समझ गए, फिर आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। आपके लिए एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि आप बाइक पे कहीं जा रहे हो और आपके पास एक अच्छा एक्सपेंसिव आईफोन है जिसकी प्राइस 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा है और वो आपकी पॉकेट से रास्ते में निकल के कहीं पर गिर जाता है। आपको 5 किलोमीटर आगे जाके पता चलता है कि मेरी पॉकेट से मोबाइल फोन निकल चुका है, तो डेफिनेटली आप उस मोबाइल फोन को वापस ढूंढने जाओगे, जबकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो इतना महंगा आईफोन आपको दोबारा वहां पर मिल जाए। आप 5 किलोमीटर के बजाय आप 10 किलोमीटर वापस चले जाओगे कि काश मेरा मोबाइल फोन मुझे मिल जाए, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने तक डेफिनेटली उसके बारे में सोचते रहोगे कि काश अगर मैं उस आईफोन को अपने पैंट की पॉकेट की बजाय यहां पर शर्ट की पॉकेट में रख लेता तो वो आज नहीं लॉस्ट होता, उसको मैं नहीं होता। तो डेफिनेटली इस बारे में सोचोगे ना, और जो उस मोबाइल फोन को आप इतनी दूर तक खोजने गए, उसके पीछे का पर्पज ये था कि वो डेफिनेटली बहुत ही एक्सपेंसिव था, उसकी प्राइस 1,00,000 से भी ज़्यादा की थी। अगर कोई 1,000, 1,500, 2,000 का मोबाइल होता तो डेफिनेटली आप 10 किलोमीटर तक नहीं जाते और उसके लिए आप इतना गिल्टी फील भी नहीं करते, क्योंकि उसके पीछे आपका बड़ा पर्पज नहीं था। और इस मोबाइल फोन को आप 10 किलोमीटर तक ढूंढने इसलिए गए क्योंकि यहां पर पर्पज बड़ा है, चैलेंज बड़ा है। अभी मैंने आपको बताया ना कि कुछ बड़ा चैलेंजिंग टारगेट अपने लिए, चैलेंजिंग गोल अपने सेलेक्ट करिए। तो फ्रेंड्स सारे कॉन्सेप्ट सेम ही हैं। अगर आप पहले राइडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार दिमाग से ये सोच लेते कि मैं आईफोन पैंट की पॉकेट में रख रहा हूं, ये यहां से निकल सकता है, इसको मैं ऊपर की पॉकेट में रख लेता हूं, तो वो बच जाता। लेकिन अगर आप पहले सोचते, बाद में सोचियो, रिग्रेट फील कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट फिर से वहीं पे आके अटक रहा है कि आप 10 साल बाद सोचोगे कि काश मैं ऐसा कर लेता तो क्यों ना अब सोचा जाए। तो अब सोचिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए और 10 साल बाद मैं किस चीज के लिए रिग्रेट फील करूंगा कि काश मैं 10 साल पहले ऐसा कर लेता। तो जो 10 साल बाद आप सोचोगे उसको अभी सोचिए, उसको ऊपर नीचे करके हर तरीके से उसको सोचिए और उसके बारे में अच्छे से सोल्व करिए, स्ट्रेटजी लगाइए, जो कुछ कर सको वो उसके लिए करिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का कंप्लीट वीडियो, आई होप आप इसे अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए होंगे, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आपके लिए बेटर है, मुझे पता है समझना थोड़ा मुश्किल है, मैंने आपको 3-4 एग्जांपल इसी वजह से दिए, उनको अच्छे से वीडियो को दोबारा से देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।